आपका लिट्टी चोखा पटना बिहार से चल के प्रयागराज होते हुए रायपुर पहुंचे। 2007 से रायपुर में काम करो, पर लिट्टी चोखा काम में 2014 से चालू किया हूँ। रायपुर की जनता और छत्तीसगढ़ का भरपूर प्यार मिला, जो बोलते हैं ना सबले बढ़िया। ओके, वाकई में छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। तो ये जो फ्राई हो रहा है, ये देसी घी में हो रहा है ना? ये पूरा कंट्री। ये देखिए, अभी टमाटर भी रेडी हो चुका है। सरसों तेल, अजवाइन, अदरक, लहसुन सब बाकी बहुत सारे और कुछ आ गया देसी घी में। हमारे पास दो प्रकार का चटनी बनता है, पुदीना चटनी धनिया मिर्ची वाला, और एक पताल का चटनी छत्तीसगढ़िया। ओके, और अभी आपने जो देखा ये बैगन का भरता। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तोलीवांडा मेरीन ड्राइव मेरे पीछे है, और जस्ट इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे एक शॉप है जो कि काफ़ी ताबड़तोड़ क्वालिटी का बिहार फेमस लिट्टी चोखा यहाँ पे बनाया जाता है और मिलता भी है लोगों को। और ये शॉप जो है भाई, इसका नाम है प्रेम लिट्टी चोखा एंड चाट सेंटर, और रायपुर और रायपुर के बाहर भाई पूरे इंडिया में काफ़ी वायरल है, काफ़ी फेमस है ये शॉप। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे इस शॉप को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ आप यहाँ कैसे आ सकते हो, यहाँ पे क्या क्या फूड मिलता है, किस प्रोसेस से बनता है, कितने प्राइस से मिलता है। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो आप चैनल में पहली बार देखा वीडियो के एंड तक देखिए, और आप वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, और यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, और इसमें कुछ सुझाव के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे शॉप ओनर, उनसे बात करेंगे, उनका प्रोसेस मेकिंग देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो थोड़ा सा हम लोग अगर लोकेशन की बात करें भाई साहब, तो इस तरफ से आप आओगे ना तो पता नहीं जहाँ से जाओ, मुझे नहीं पता क्या है। इस तरफ आपका गुरु घासीदास का चौक, घासीदास चौक है, और यहाँ से आपको ये देखिए मरीन ड्राइव आना, आप मरीन ड्राइव पहुँच जाना, और जस्ट उसके अपोजिट साइड में देखिए ये जो बोर्ड लगा है उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे देखिए आई टच का एप्पल का शोरूम है। साथ ही यहाँ पे आपका राग म्यूजिक कैफे है, और इसके सामने देखिए यहाँ पे ये है आपका प्रेम लिट्टी को चाट सेंटर। तो चलिए चलते इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो भैया आप कहाँ से हो एक्चुअली? मैं तो भैया प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज? तो रायपुर में कितने कब से हो आप? आपका लिट्टी चोखा पटना बिहार से चल के प्रयागराज होते हुए रायपुर पहुँचा है। 2014 हो गया मेरे लिट्टी चोखा चालू करते हुए। अच्छा अच्छा। और ये मैं बना रहा हूँ बैंगन का फ्राई भरता, बैंगन एकदम साफ सुथरा है, जो अच्छी क्वालिटी का लेके आता हूँ मैं। अच्छा। कोई नो शक। तो भैया मैंने देखा कि जो चोखा है वो ऐसे जला वाला के बनाते हैं, आपको ये जो घी में फ्राई का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? लोगों को बनाने का फ्राई करने का तजुर्बा है। अच्छा। कौन कैसे बना सकता है? अच्छा। सारे लोग लिट्टी चोखा अच्छा बनाते हैं, मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। और बहुत बढ़िया है। अच्छा। तो ये भैया कब से दुकान लगा है बोल रहे? ये मैं तो 2007 से रायपुर में काम कर रहा हूँ, पर लिट्टी चोखा काम में 2014 से चालू किया हूँ। अच्छा। तो तब कैसे बेचते थे लिट्टी चोखा, मतलब कितना था प्लेट प्राइस? तब तो शुरुआती में कोई जानता था, कोई नहीं भी जानता था। अच्छा। बाकी रायपुर की जनता और छत्तीसगढ़ का भरपूर प्यार मिला है। प्यार मिला उनको। तो ये जो टमाटर वाइस जो फ्राई कर रहे हैं, मैंने कई बार देखा है कि आपका बिहार वगैरह में ना अलग बनता है। बिहार अलग है हाँ। बिहार का डिश है, नो डाउट। हाँ। बिहार से का डिश है, बहुत अच्छा टेस्ट है। हाँ। पर मैंने कुछ अलग इसको दिया है। छत्तीसगढ़िया जो बोलते हैं ना सबले बढ़िया। ओके, ओके। वाकई में छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, नो सर। और बहुत ही जबरदस्त प्रदेश है, एकदम शांति वाला प्रदेश है, कोई डर नहीं है। अभी यहाँ पे आपके कहाँ क्या क्या मिलता है? मेरे यहाँ लिट्टी चोखा मिलता है, चाट मिलता है, गुपचुप मिलता है। अच्छा। पर बेस मेरा लिट्टी चोखा से है। अच्छा। हाईएस्ट सेलिंग लोग पसंद करते हैं लिट्टी चोखा ही पसंद कर रहे हैं। कौन प्राइसिंग क्या रहता है भैया? प्राइस लिट्टी चोखा का 70 रुपये है एक प्लेट। ओके। धीरे धीरे बढ़ते गया, 14 में 40 था। अच्छा। फिर 50 हुआ, 50 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई वैसे वैसे रेट बढ़ते गए। क्या क्या रहता है उसमें? लिट्टी चोखा रहेगा, दो पीस आपका आलू बैगन का भरता रहेगा, टमाटर की चटनी रहेगी, पुदीना चटनी रहेगी। भैया अभी ये क्या प्रोसेस बन रहा है? ये मैं बैगन बना रहा हूँ, बैगन का भरता। हमारे यहाँ दो प्रकार का बैगन, एक प्रकार का बैगन भरता रहेगा, आलू का चोखा रहेगा, दो प्रकार की चटनी रहेगी। Okay. और शुद्ध देसी घी में बना हुआ, जो घी सिर्फ वचन घी, दूसरा कोई नहीं। तो ये जो फ्राई हो रहा है ये देसी घी में हो रहा है ना? ये पूरा कंटिन्यू बैगन का भरता। अच्छा, बैगन का भरता बनने वाला है, काफी देखने में यूनिक लग रहा है भैया आपका। और ये देखिए देसी घी में फ्राई होता है, सत्तू की पूरी गंजी है ना, चोखा बन रहा है भाटा टमाटर का। पहले कैसे बनाते थे चोखा आप? पहले हम लोग भी उबाल के बनाते थे, कभी भून के बनाते थे। अच्छा। भून के भी बनाते हैं हम लोग भी। ओके। समय के अनुसार क्या ज़्यादा मात्रा में लगता तो उबाल भी देते हैं। अच्छा अच्छा। ये देखिए टमाटर अभी सब फ्राई हो रहा है, बैंगन टमाटर और जो देसी घी में फ्राई हुआ है। आपके यहाँ में देख रहा हूँ खाली घी घी है और सारे आइटम, आलू टिक्किया भी देसी घी में बनता है। ये अपना बैगन भाई गया, बैगन पक गया, अलग हो जाएगा। ये पूरा बैगन जो है प्रॉपर देसी घी में फ्राई हो चुका है और पक गया पूरा। और ये अपना धनिया है। ओके। नमक डाला गया, चाट मसाला, और ये बैगन भरते का। अच्छा। सरसों का तेल देते मोस्ट। जी जी भैया। बाप रे, देखिए टमाटर वगैरह अभी तैयार हो रहा है। तो ये देखिए अभी टमाटर भी रेडी हो चुका है और बनने जा रहा है आपका चोखा।
काफ़ी ख़तरनाक देखिए लुक है, और जो स्मेल आ रहा है ना भाई, बहुत तगड़ा स्मेल आ रहा है, सब देसी घी से बना हुआ। ये शॉप का टाइमिंग वगैरह कितना रहता है क्या? टाइमिंग 3:30 से लेकर 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक। और डेली खुला रहता है कि बंद रहता है? डेली 365 दिन का। ये देखिए अपना ड्रैगन का चोखा है, ऑलमोस्ट बन के तैयार, और काफ़ी गर्म है देखिए, और भैया ने पूरा घर की तरीके से बना के दिया है। अब डाला जा रहा है देखिए नींबू, थोड़ा सा खटास के लिए इसमें। अब ये हो गया भाई, इसमें और कुछ डाला जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं, सादा सिंपल एकदम सादा। और ये फाइनली अपना बन चुका है देखिए, ड्रैगन का चोखा। लिट्टी बनने जा रहा है ना? हाँ। तो ये भैया आटा है क्या प्रॉपर? ये आटा गेहूँ आटा। अच्छा, गेहूँ आटा प्रॉपर है। और यहाँ पे बनाए जा रहे हैं भैया अभी लिट्टी। भैया सत्तू में क्या क्या आप डालते हैं? सत्तू में बहुत कुछ है, सरसों तेल, अजवाइन, अदरक, लहसुन सब, बाकी बहुत सारे और कुछ भी रहता है। ये देखिए अभी स्टफिंग डाल दिया गया सत्तू को से लिट्टी के अंदर, और ये देखिए ऐसे बन रहा है। आटा को प्रेस कर दिया जाएगा अभी। ये देखिए ऐसे स्टफिंग डाला जाएगा सत्तू को, और ये बन रहा है अपना लिट्टी। और भी भैया बनाने वाले हैं लिट्टी। ये लिट्टी हमारा भरा गया, और लिट्टी फटाफट से खाने के लिए सीढ़ी में जा रही है। और ये जो कोयले वाला झाँक से बना जा रहा है, और देखिए लिट्टी का साइज भी काफ़ी बढ़िया है। भैया जो आप कटिंग करके लिट्टी भर रहे हो, मैं पहली बार आपके यहाँ पे देखा। लिट्टी कटिंग इसलिए करते हैं ताकि लिट्टी अच्छे से पक जाए अंदर तक, और देसी घी अंदर तक जाए। अच्छा, ये देखिए अभी इसको सिलका जाएगा। आपका तैयारी वगैरह कैसे होता है पूरा डेली का? तैयारी होता है ना भैया, सुबह 7 बजे से लेकर 10-12 तक घर में हम लोग का माल रेडी करते हैं, फिर यहाँ आकर रेडी करते हैं। ओके, सब अपने यहाँ डेली का ताज़ा माल रहे, कभी बासी बचता ही नहीं हमारे यहाँ, सामान ही नहीं बचता। अब भैया 18 घंटे का काम है, कोई 1 घंटे का काम नहीं है। अच्छा, देखिए अभी सारा जो लिट्टी है ना, एक स्टेज में अगर ये फ्राई हो जाता है तो इसको भैया लोग अभी ला के ना काटने वाले हैं। देखिए देखिए इसको ऐसे करके चौतरका काटा जाएगा। ये लिट्टी हो गई, लिट्टी के साथ में घी बहुत जरूरी है, वचन। अच्छा, की चलाते हैं हम लोग सुबह। अच्छा, से और लिट्टी पक गया पूरी तरह से, हमारा गया देसी घी में। ये देखिए डाल दिया गया लिट्टी को, तब तक क्या मजा। आपका मतलब पूरा जो काम देसी घी से ही हो रहा है ना? पूरा टोटल। ओके, तो ये भी अपना पेड़ लगने जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार का चटनी बनता है, पुदीना चटनी धनिया मिर्ची वाला, और एक पताल का चटनी छत्तीसगढ़िया। ओके, और अभी आपने जो देखा ये बैगन का भरता, और ये रहा टमाटर पुदीना चटनी और टमाटर चटनी साथ। अरे ये हमारा लिट्टी हो गया रेडी, और लिट्टी हमारी पूरी तरह से घी पी चुके हैं, और अब ये देसी घी में लिट्टी रेडी है। और इसमें डाल दिएगा प्याज वगैरह। ये प्लेट कितने का? एक प्लेट लिट्टी 70 रुपये का। हाँ, टाइमिंग कितने, एक बार बता दें? टाइमिंग 3:30 11:30 रात्रि तक है। मरियन ड्राइव के सामने क्रीम स्टोन और स्वरूप प्लाजा के बीच में, दुकान का नाम प्रेम प्रयागवासी लिट्टी चोखा। ठीक है भैया, तो अभी हम लोग ले लिए हैं एक प्लेट लिट्टी चोखा। देखिए यहाँ पे दो जो लिट्टी मिला है पूरा देसी का डूबा, साथ में ये आपको बैंगन का चोखा मिला है, और आलू का भरता मिला है, और दो चटनी यहाँ पे। इसको जाए बाहर दिखा चला खाली में रख। बस हम लोग ना लिट्टी को लेते हैं इसके बैंगन का चोखा के साथ, और थोड़ा टेस्ट करते हैं फिर क्या। तो बैंगन का चोखा है ना, इसमें आपका सत्तू का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और लिट्टी का बात करें तो इसका जो आउटर कोर है ना काफ़ी क्रिस्पी है, और सत्तू का जो भाई साहब फ्लेवर काफ़ी अलग आ रहा है, क्योंकि इसमें जो देसी घी मिला हुआ है ना, दोनों का जो मिक्सिंग के साथ जो फ्लेवर आया है ना काफ़ी यूनिक है, डिफरेंट है। अभी तक मैंने जितना भी लिट्टी खाया सबसे तो काफ़ी अलग है, उमदा है, खाने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो हम लोग इसको आलू के भरते के साथ ट्राई करते हैं। हमने ले लिया देखिए, देसी घी पूरा इसमें भरा हुआ है, तो आलू के भरते के साथ थोड़ा सा ले लेते हैं इसको, और इसको टेस्ट करते हैं। उसका जो भरता है ना भाई साहब, प्याज और आलू का पता नहीं कि सीक्रेट मसाला डाला गया इसमें, तो इसका भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, खाने में काफ़ी यूनिक है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप एक बार जाके जरूर ट्राई करें, आप लिट्टी चोखा खाने के शौकीन हो तो। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का, काफ़ी टेस्टी लिट्टी चोखा मिल रहा है, और दो प्लेट खाओगे ना आपका पेट पूरा भर जाने वाला है, क्योंकि इतना क्वांटिटी यहाँ पे मिल जा रहा है, दो लिट्टी के साथ अलग अलग दो भरते और चटनी वगैरह, तो रिकमेंडेड है। और बहुत ही प्राइस भी जेन्युइन है यार, 70 रुपये में आजकल क्या मिलता है। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से? और मैं रायपुर में पहले रहता था, और मैंने इनका एक बार यूट्यूब में देखा था। अच्छा, तो मेरा जो कलीग है मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को लेके चला, एंड आई वांटेड टू हैव द टेस्ट फ्रॉम द सेम शॉप। ओके, एंड इट्स अ रियली वेरी गुड। अच्छा, तो आपने जैसा देखा था कैसा अभी खाने के बाद कैसा लगा? इट्स रिमेन सेम। अच्छा सर, रिमेन सेम और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा है। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। ये जो हमारे फूड ब्लॉग के बड़े भाई लोग हमारे लोग आते हैं, छोटे दुकानदारों को जमीन से उठाते हैं, सीधन का बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है, पर अच्छे चीज़ें मिलते हैं लोगों को पता नहीं है। इसलिए आप जो फूड ब्लॉगर में काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता जागरूक हो रही है, और उसे दुकानदार भी छोटे व्यापारियों को
आप ऊपर उठा रहे हैं, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, कहाँ से हो सर? सर मैं एक्चुअली बिहार से हूँ। अच्छा। और हम लोग का सबसे फेवरेट है लिट्टी चोखा बिहार का। ओके। और मैं यहाँ 4 साल से जॉब कर रहा हूँ। ओके। और हमेशा यहाँ खाता हूँ, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा। और हमारे बॉस लोग भी आते हैं बहुत दूर दूर से, तो हम ला करके यहाँ खिलाते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। और यहाँ का बहुत अच्छा टेस्ट है, पूरे छत्तीसगढ़ में यही एक ऐसा दुकान है जहाँ लिट्टी चोखा अच्छा मिलता है। ओके ओके। और हम लोग बहुत अच्छा से खाते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, मतलब आप बाकी लोगों को रिकमेंड करोगे यहाँ पे आके ट्राई करने के लिए? बिल्कुल, हमारे साथ भी जितने दोस्त फ्रेंड है सब लोग को मैं बताता हूँ यहाँ खाने के लिए। थैंक यू। तो फाइनली जो है भाई साहब, अभी करीब 5:30 बजने वाला है टाइम, और हमने अपना जो लिट्टी चोखा भाई साहब खा लिया हमारे पीछे, आप शॉप देख रहे होंगे। और भाई साहब बता रहा हूँ मैं, 70 रुपये में जो लेवल का क्वालिटी का लिट्टी चोखा मिला ना, काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी उमदा है। आप एक बार जरूर आकर यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, आप लिट्टी चोखा खाने के शौकीन हो तो। हम इस वीडियो को ना यहीं पर ख़त्म करते हैं यार। तो होपिंग आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही अपन मिलते हैं फिर और नए जगह पर नए फूड ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।